सत्याकाल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। आप लोगों को मेरी वीडियोस देख के अच्छा लग रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। आज की जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है, और ये वीडियो है जी रशिया की। और रशिया से एक वीडियो आ रही है कि वहाँ पर स्टेज पे इतने ज़्यादा लोगों के बीच में एक सिंगर हैं, तो उन्होंने महादेव के सॉन्ग्स गुनाए हैं। तो उसी के हवाले से हम लोग आज की वीडियो देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब से प्लीज जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है रूस के एक शहर क्रास्नोगोरस्क सिटी के एक म्यूजिक हॉल की, जिसका नाम है क्रोकस सिटी म्यूजिक कॉन्सर्ट, जहां पर हाल ही में रूस के फेमस सिंगर के द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से भगवान शिव के रोंगटे खड़े कर देने वाले लाइव सॉन्ग्स गाए गए, जिनको सुनने के लिए रूस के अलग अलग रीजन से हजारों रशियंस आए हुए थे। भगवान शिव के इन पावरफुल भक्ति सॉन्ग्स का ये लाइव प्रोग्राम रूस के इस शहर में शाम को स्टार्ट किया गया था, और देर रात तक इस आध्यात्मिक प्रोग्राम की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हजारों रशियंस इसमें प्रेजेंट रहे, जो इन रशियन सिंगर्स के साथ साथ भगवान शिव के इन भक्ति सॉन्ग्स में लीन हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। और वहां पर इस लाइव प्रोग्राम में सनातन की ऊर्जा कितनी ज्यादा सकारात्मक थी, इसका अंदाजा आप इस शानदार तरीके से शूट की गई इस वीडियो को देखकर ही लगा सकते हैं कि कैसे हजारों रशियंस भोले बाबा की मस्ती में झूम रहे हैं। अच्छे तरीके से समझ सके कि रशियन रूस में सनातन के ऐसे कॉन्सर्ट का आयोजन क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, रशिया की एक यूजर उमिनोवा गलीना ने कमेंट करके ये बताया कि कैसे मुझे इस जादुई मंत्र से प्यार हो गया है। एना नेटा ने लिखा कि जब मैं ये मंत्र सुनती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रोने लग जाती हूँ। तो एक दूसरे यूजर ने इनको इस प्रश्न का उत्तर देते हुए रिप्लाई करके बहुत ही सुंदर तरीके से ये बताया कि जब आप ऐसे मंत्र सुनते हैं तो आप इसलिए रोते हैं क्योंकि भगवान शिव आपके हृदय में है, और ऐसे क्षणों में आप उनको महसूस करते हैं। और इनके बाद एक और रशियन ने रूस के इन सिंगर्स के लिए ये लिखा कि इस प्रोग्राम को देखने की शुरुआती मिनटों से लेकर आंसू और रोंगटे खड़े होने तक और वीडियो के अंत तक मैं भगवान शिव के प्रति अपने व्यापक, विशाल और बहुत ही शुद्ध प्रेम से रो पड़ा, जिससे आपने रूस के लोगों के सामने इतनी ईमानदारी और शुद्धता से व्यक्त किया। इस चमत्कार के लिए, इस इनक्रेडिबल रचना को सुनने के लिए, एक साथ और इसे अपने दिल में उतारने का अवसर देने के लिए सती और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रचनात्मक यात्रा जारी रहे, उतना ही रमणीय, उपचारकारी और जादुई हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेकिन दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, बल्कि ये तो बस कुछ ही कमेंट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे ही हजारों रशियंस ने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को कमेंट करके व्यक्त किया हुआ है कि भगवान शिव के ऐसे लाइव प्रोग्राम में वे कैसा महसूस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि रशिया में भगवान शिव का ये इतना बड़ा और भव्य कार्यक्रम किसने और क्यों आयोजित किया था, और जिसने भी ये इतना सुंदर आयोजन किया उनका रशिया में सनातन के ऐसे कार्यक्रमों का फ्यूचर प्लान क्या है। तो दोस्तों, रशिया में इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया था रूस की एक फेमस एक्स मुस्लिम सुपरस्टार एक्ट्रेस सती काजानोवा के द्वारा, जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया हुआ है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि कैसे सती काजानोवा भगवान शिव और माता सती की भक्ति के माध्यम से रशिया में सनातन धर्म की ओर रशियन को आकर्षित कर रही है, और अपनी म्यूजिक और सिंगिंग की अमेजिंग आर्ट्स के माध्यम से इन्होंने अब अपने सनातन के इन कार्यक्रमों को और भी बड़े लेवल पर करना स्टार्ट कर दिया है। और इन सब में इनका साथ दे रही है इनकी टैलेंटेड सती म्यूजिक टीम, जो अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से हजारों रशियंस को सनातन के मंत्रों की ओर क्षण भर में आकर्षित कर देती है। लेकिन दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर मात्र था। इस वीडियो को देखिए।
ये वीडियो सतीन ने हाल ही में अपने इंस्टा पर पोस्ट की है, जिसमें हजारों रशियन ओम का जप करते हुए दिखाए गए हैं। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रशियन के साथ साथ दुनिया भर से हजारों लोग सनातन के प्रति अपनी पॉजिटिविटी व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि एक रशियन लड़की स्वेतलाना ने लिखा कि सुपर, आई कांट इवन बिलीव दैट इज इन रशिया, कि मैं विश्वास भी नहीं कर पा रही हूँ कि ये मंत्र चैंटिंग रशिया में हो रहे हैं। और एक ने लिखा कि इट वॉज इनक्रेडिबल, आई एम स्टिल शेकन बाय व्हाट वी डिड अंडर सतीश लीडरशिप, इट वॉज डिफिकल्ट प्लांटिंग पीपल, देर आर मैनी, दे आर डिफरेंट, बट वी मैनेज, डिवाइन ओम कवर्ड द होल कंट्री यस्टरडे, आई थिंक सती थैंक यू फॉर दिस इनक्रेडिबल पावरफुल एक्सपीरियंस, इट वॉज वर्थ कमिंग फ्रॉम द निजनी रीजन टू मॉस्को फॉर हिज सेक, गुरुजी ऑलरेडी नोज व्हाट वी डिड, यानी कि यह अतुल्य था, सती की देखभाल में हमने जो किया उससे मैं हिल गई हूँ, लोगों को रोकना कठिन था, वे बहुत सारे थे, वे अलग अलग देशों से हैं, लेकिन हम ओम के इस जप के लिए कामयाब रहे, दिव्य ओम ने कल पूरे देश को कवर कर लिया था। इस आश्चर्यजनक शक्तिशाली अनुभव के लिए सती का धन्यवाद, इस ओम के जप के खातिर निजनी रीजन से मॉस्को आना उचित था, गुरुजी पहले से ही जानते हैं कि हमने क्या किया। तो दोस्तों, आप यहां से ये गहराई से और बहुत ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि रूस के अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ये वीडियो। और मैं आज ही वीडियो बना रही थी, अभी आज ही वीडियो अपलोड की है, तो उसमें भी ऐसा ही था, मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि सनातन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस अट्रैक्ट और बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि सुकून भी मिलता है, और बहुत ज़्यादा उनकी आत्मा की जो शांति है और जो मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी में होती है ना, उनसे ध्यान लगाने से और योगा से और चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक नियंत्रण उस पर आ जाता है, और आपको आपके अंदर की एक शांति होता है ना, कि आपका आप बोलते हैं ना कि आपका अंदर से शांत हो, अगर आप अंदर से खुश हो तो बाहर की हर एक चीज़ आपको सुहानी लगती है। तो बस वही चीज़ है कि लोगों को जो भी होता है ना कि वहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा था, तो वो सुकून ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं इंडिया में, हिंदुइज्म में, सनातन में। और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक शो था, वहाँ पर बोले हजारों लोग थे और उनके सामने महादेव हैं, उनके सॉन्ग्स उन्होंने सुनाए और बहुत ज़्यादा अमेजिंग वे से मतलब के सुनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर जो लोग थे उनको देख के उनके फेस और फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा था कि लोगों को कितना अच्छा लग रहा है वो देखकर। तो मुझे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो आई होप सो कि मुझे भी ऐसा कुछ भी मतलब कि हो जहाँ पर जाने का मौका मिले और मैं भी वो चीज़ एक्सपीरियंस, वो चीज़ मुझे भी हो, तो मुझे भी देखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरे साथ ये वीडियो देखने में। अगर आप लोगों को मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक और रिएक्शन है जहाँ पर मैं मूवीज़ पे रिएक्शन बना रही हूँ, तो उसका लिंक आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोज़ देखिएगा। तो आपको मिलती रहूँगी ऐसी और बहुत सी वीडियो के लिए। इतना ही, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आई लव यू ऑल।